नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दूसरे राज्यों से आने वाली एप बस टैक्सियों पर रोक लगा दी गई है। केजरीवाल सरकार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड ओला उबर सहित एप बस दूसरी टैक्सियों की एंट्री पर बैन लगाया गया है। राज्य में सिर्फ दिल्ली रजिस्टर्ड एप बस टैक्सियां ही चलेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का कहना है कि दिल्ली NCR में अगले 5 से 6 दिनों तक एयर क्वालिटी गंभीर रहेगी। प्रदूषण से राहत की कोई संभावना नहीं है। गुरुवार 9 नवंबर को दिल्ली में AQI 440 दर्ज किया गया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली से सटे शहरों की हवा भी जहरीली है। ग्रेटर नोएडा में आज AQI 450, फरीदाबाद में 413, गाजियाबाद में 370, गुरुग्राम में 396 और नोएडा में 354 रहा। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश चावला ने बताया कि दिल्ली NCR में सांस लेना एक दिन में 10 सिगरेट पीने के बराबर है। खराब एयर क्वालिटी में ज़्यादा देर तक रहने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।